सो गाइस मौज ऐप पर आपको लाइव ऑप्शन मिल गया है और उसके बाद फिर हट गया। ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है या फिर इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है जो आपने ये वीडियो को देखा, इसको पर हम बात करते हैं। आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हैं जुड़ना चाहो तो। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मौज एप्लीकेशन की। आप लोगों को पता है कि ये आपके आइकन पर देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लाइव यहाँ से जा सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आपको 60 सेकंड की वीडियो है, 30 सेकंड की और 15 सेकंड की, और इसके साथ में लाइव का एक ऑप्शन है। लेकिन ये लाइव का ऑप्शन आपके पास आया और एकदम से हट गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ IDs पर ये लाइव ऑप्शन एक ट्रायल बेस पर चल रहा है, और वो ट्रायल बेस्ड आपको यही देखने को मिलता है कि आपके पास जैसे ही आप उसको ओके करते हैं, यस, वो समझ जाता है कि इस क्रिएटर ने इसको ओके कर लिया है, यानी कि ये देख लिया है कि इसके पास ये फीचर पहुंच गया, तो वो उसी हिसाब से उसको सेट करता है। अच्छा, यही सीन मेरे साथ भी हुआ, यानी कि मेरे पास ये लाइव ऑप्शन मुझे मिला और मिलने के बाद तुरंत हट गया। तो मैंने अपने मौज कंसल्ट टीम से बात करी तो मेरे पास भी कुछ यही मैसेज के रिप्लाइज मिले कि मौज पर जो लाइव ऑप्शन है वो सबको मिल तो रहे हैं लेकिन ट्रायल चल रहा है हर किसी की एक IDs पर। तो जैसे ही वो उसके पास एक्टिव होता है लाइव ऑप्शन, उसके पास वो डीएक्टिव हो जाता है। डीएक्टिव होने के बाद जब वो एक्टिव होता है तो वो प्रॉपर एक्टिव हो जाता है आपको हमेशा के लिए। अब मेरे पास लाइव ऑप्शन है और मैं लाइव रोज़ाना जाता भी हूँ, मैंने एक वीडियोज़ भी बनाई थी, तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपका एक्चुअल टाइम क्या है मौज पर कि आप जब एक्टिव हों। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से वार्तालाप फेस टू फेस जानने की आप लोगों से और सीधे आपसे बातचीत करने की। तो आई होप आप लोगों को ये नॉलेज भी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत इसमें हमारी भी होती है। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।